हरियाणा के जितने मेडिकल कॉलेज बनेंगे ना, ये सब मेडिकल कॉलेज यहां से एफिलेटेड होंगे। आपकी एक नई पहचान मिलने वाली है। हरियाणा के पास अपना एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। आज हरियाणा में हर घर नल की योजना भी है। तो हरियाणा आज अराजकता और भ्रष्टाचार का नहीं, परिवारवाद का नहीं, बल्कि विकास का एक नया मॉडल बनकर के उभरा है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत इस रूप में आज हरियाणा में देखने को मिल रही है। बहनों और भाइयों, मैं इससे पहले एक सभा में था और इससे पहले कि जिस सभा में मैं था, वहां पर सभा में जाने के पहले एकदम मंच के पास थोड़ी दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा कुंभा की भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा हुआ था। आप याद करिए, इस महान योद्धा ने भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए उस कालखंड में जो योगदान दिया था, आज भी उस महान योद्धा को, चाहे वह महान योद्धाओं में महाराणा कुंभा हो, महाराणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो या पृथ्वीराज चौहान हो, इन महान योद्धाओं का योगदान भारत के लिए था, अपने लिए नहीं, स्वदेश और स्वधर्म के लिए था। और याद रखना, हम सबका योगदान भी अपने देश के लिए होना चाहिए, स्वदेश और स्वधर्म के लिए हमारा सब कुछ समर्पण होना चाहिए। जब देश की बात आएगी, स्वधर्म की बात आएगी, तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने यही तो हमें प्रेरणा दी है। यही कारण रहा है एक विदेशी आक्रांता 500 वर्ष पहले अयोध्या में रामलला के मंदिर को क्षतिग्रस्त करता है, अपवित्र करता है, लेकिन जब देश स्वतंत्रता हम मानते थे कुछ नहीं हो सकता, तब भी हिंदू लड़ता रहा। लाखों हिंदुओं ने अपनी शहादत दी, लेकिन 1947 में देश आजाद होता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का दायित्व था कि पहला कार्यकर्ता अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता। कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को भारत की आस्था का नहीं, अपने वोट बैंक की चिंता थी। उन्हें सत्ता चाहिए थी, देश की कीमत पर सत्ता। याद करिए, पाकिस्तान में ननकाना साहिब कॉरिडोर बनाने के लिए कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का कार्य किए थे। आज भी ननकाना साहिब में, वहां पर जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रकाश पर्व आता है, वहां पे हरि कीर्तन नहीं करने दिया जाता है, रोका जाता है। कांग्रेस का इतिहास तो कत्लेआम का रहा है। 1984 में सिख बंधुओं के साथ क्या कार्य क्या किया था, और अभी राहुल गांधी क्या बोल रहे थे विदेश में जाकर के, सिखों को गाली दे रहे थे, भारत का अपमान कर रहे थे, भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का कार्य कर रहे थे। जो कांग्रेस भारत की महान गुरुओं की परंपरा का अपमान कर रही हो, जो कांग्रेस भारत के बाहर जाकर के, जिस कांग्रेस के नेता भारत का अपमान करते हो, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हो, उस कांग्रेस से उम्मीद करना कि कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान करेगी, ये बेवकूफी होगी। और कांग्रेस जो की थी उसको उसके हालात पर पहुंचाने का काम जनता जनार्दन ने किया। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का
और दो बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले दंगे होते थे, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित थे, उनका कोई सम्मान नहीं होता था। और पिछले 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगाई या तो यूपी छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुके हैं। आज यूपी पे दंगा नहीं होता, कोई बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाता है, कोई किसी व्यापारी के सम्मान के विरुद्ध कार्य नहीं करता है। आज वहां विकास है, जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले भारत के विकास का बैरियर माना जाता था, आज वह उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है, 5 सदी के बाद इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। और ऐसे ही हरियाणा में पिछले 10 वर्ष के अंदर हुआ है एक परिवर्तन, जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है, वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है, वह वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और एक कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए यह आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के यहां कार्य किया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में रहो या नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, भ्रष्टाचार हरियाणा समाप्त, हरियाणा का समाप्त, गुंडागर्दी समाप्त, चौथ वसूली समाप्त, विकास की नई नई स्पीड, कनेक्टिविटी की बेहतरीन कार्य, हर घर नल की योजना, हर गरीब के पास आवास की सुविधा, हर गरीब को राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत भी है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि भी है। बहनों और भाइयों, विकास की स्पीड को अनवरत बने रहने देने के लिए आवश्यक है
कि फिर से भारतीय जनता पार्टी किसी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सरकार, तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बने, और इसी के लिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। श्री योगेंद्र राणा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता को अपने बीच में चुनाव मैदान में उतारा है। बहनों और भाइयों, ये जो कांग्रेस 1984 के सिख बंदों की हत्या के लिए कटघरे में खड़ी है, इसको कभी भी बर्दाश्त मत करना, इसको स्वीकार मत करना, इसको एक सिरे से खारिज करो। ये अंतिम श्वास गिन रही है अब अपने। ऑक्सीजन दोगे तो इसका विष बेल फिर तेजी के साथ फैल करके देश के अंदर दंगे करवाएगा, लूटपाट कराएगा, कश्मीर में सेंध लगाने का कार्य करेगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, अराजकता फैलाने का कार्य करेगा। ये कतई मत होने देना, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। ये अराजकता को बढ़ाने वाले दल हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले दल हैं, आकंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए दल हैं, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं। गांव से, गरीब से, किसान से, महिलाओं से, किसी भी तबके से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका तो एक ही एजेंडा है, बांटो और राज करो। हमें बंटना नहीं है, हमें बंटना नहीं है, एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए और विकसित भारत के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार को लाना है। योगेंद्र राणा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है, बना के भेजेंगे? योगेंद्र राणा विजयी बनकर के जाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही दोनों हाथ पा करके बोलो, सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, यह कार्य होगा तब, यह कार्य होगा तब जब आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, 5 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी, 5 अक्टूबर की वोटिंग के दिन याद रखना, तब नवरात्रि का पर्व भी हो रहा होगा। 5 अक्टूबर को अपने घर में रहना है। हर मतदाता जितना भी यहां पर आया हुआ है, जिस तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सबसे मैं अपील करूंगा कि आप सभी लोग याद रखना, आप में से हर व्यक्ति 10-10 मतदाताओं को पहले से चिन्हित करके अपने साथ मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान करवाने में अपना योगदान देना। करेंगे सभी लोग? करेंगे? ये जो मंच पंडाल के बाहर जो लोग हैं, वे लोग भी करेंगे? इस पार उस पार सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग करोगे? आपस में बटोंगे नहीं ना? देश के लिए कार्य करेंगे ना? यह वोट हरियाणा के विकास के लिए और भारत को मजबूत बनाने के लिए करेंगे ना? मेरे साथ बोलेंगे फिर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार सभी जोरदार ताड़ी।